टीवी वन के निहायत दिलचस्प ड्रामों और एंटरटेनमेंट से भरपूर शोज किसी भी वक्त देखने के लिए हमारी वेबसाइट विजिट करें या हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें। उम्मीद करता हूँ आपका वीकेंड बहुत अच्छा गुजरा होगा और ठीक 9 बजे आपने हमारा शो लगा लिया होगा अपने वीकेंड में चार चांद लगाने के लिए। आजकल बहुत बारिशें चल रही हैं तो मैं आप लोगों को गुजारिश करता हूँ कि बराए मेहरबानी जब तक जरूरी ना हो घर से बाहर ना निकलें, क्योंकि हमारे जो हालात हो जाते हैं खासतौर पर ट्रैफिक के वो बहुत तंगकुन भी होते हैं और उसमें बड़े मसाइल भी हो सकते हैं आप लोगों के लिए। तो बहुत ज़रूरी ना हो तो घर में रहिए, और वैसे भी अगर आपको पता है SOPs फॉलो करने के लिए कहा जा रहा है, नंबर्स बहुत कम हो गए हैं, बेहतर हो गए हैं, तो उसमें भी आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं घर में रह के। तो बहुत ज़रूरी हो तो बाहर निकलें, और अगर बाहर निकलें बारिशों में तो बहुत ख्याल कीजिए, ऐसी चीज़ें ले कर निकलिए खासतौर पर जो आपके जूते हैं या एक छतरी आप अपनी कैरी कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है हमारे यहाँ तारें भी गिर जाती हैं और वो लोगों को लग सकती हैं, जो कि आपके लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। तो प्लीज़ मेरी आपसे गुजारिश है कि अपने प्रिकॉशंस लेकर चलिए। अब मैं आपकी मुलाकात कराऊंगा हमारे हाउस बैंड और सिंगर द कराची बॉयज एंड काशिफ भाई। अस्सलाम वालेकुम फैजान भाई, कैसे? वालेकुम सलाम काशिफ भाई, कैसे हैं आप? जी ठीक ठाक भाई, आप लोग ठीक ठाक हैं? मुझे लग रहा है आप लोग बारिश से बहुत पहले के आए हुए। सब ठीक ठाक है, मजे में? ऑल राइट। और जब बात होती है मजे की तो बात होती है मेरे फनियर हाफ की। बहुत सारी तालियां जो कि आप लोग घर पर बैठ के बजाएंगे फॉर मिस्टर आदि अधीर अमजद। अस्सलाम वालेकुम। आदि भाई कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक, पीछे से गीला आगे से सूखा। देखा हमारा छिचोरा बैंड और छिचोरी ऑडियंस। नहीं नहीं कोई बात नहीं यार, हमारी आप क्या बाइक पे हैं जो पीछे से गीले हैं? नहीं, पीछे से गीला इस तरह के अब कवर कर, देखो अब जल्दी से कवर कर लो। पीछे से गीला इस तरह क्योंकि जिस मैं अपनी गाड़ी में आया हूँ तो मेरी गाड़ी साफ हो रही थी तो वो अंदर बैठ के साफ कर रहा था, सीट गीली थी इसलिए जब मैं बैठा। टेक टू एक्शन। असल में जब मैं घर से निकला ना तो आगे धूप हो रही थी, अच्छा पीछे काले बादल थे। हाँ। पीछे बारिश हुई, पीछे से गीला। कट एक्शन टेक नंबर 3। असल में ना मैंने कल रात को ना दाल खाई थी। कट पैक अप। क्या कर रहे हैं बॉस? बता रहा हूँ कल आपको दाल खाई थी, बड़ा मजा है, ये अलग बात कर रहा। अच्छा ये अलग बात थी। आपको क्या लगा उसकी वजह से कुछ हो रहा था? नहीं नहीं कुछ नहीं। हाँ नहीं 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 तो क्यों भाई, क्यों गीले थे आप? टाइम से नहीं निकले थे क्या? यार मैं टाइम से निकला था लेकिन रास्ते में कुछ लोग फंसे हुए थे। हाँ। उनको निकालने के चक्कर में बाहर अंदर और गाड़ी में जब आप बैठ जाए तो आगे एसी की हवा लगती है, पीछे नहीं, जरा पीछे से गीला। इट्स ऑलराइट। लेकिन मैंने शुरू में कहा भी, लोगों से रिक्वेस्ट भी किया जी कि जब बाहर जाए तो प्लीज मेक श्योर। बिल्कुल मैं चाहता हूँ, हम वैसे मुश्किल होगा लेकिन आदि भाई के शूज के अगर हम किसी तरह सोलो बना देते ना, इतने सही जूते पहने बारिश के हवाले से कि ये तार को भी पकड़ सकते हैं, वैसे तो नहीं पकड़ सकते लेकिन फिर भी मतलब काफी बेहतर जूते। बिल्कुल वेल डन। और मैंने आज आते हुए वो भी देखा, क्या रेनबो? मगरमच्छ। हाँ मैं T1 के पास जब पहुंचा तो मैंने देखा कि एक मगरमच्छ आ रहा है, और जब वो मेरे करीब आया तो मैंने देखा काशी भाई थे। काशी भाई स्विमिंग करते हुए आए। हाँ तुम्हें पता है इसकी ऐसे एक मगरमच्छ हमें नोटिस भेज देगा। क्यों? कि यार आपने मुझे काशी भाई बोल दिया। नहीं नहीं काशी भाई बहुत अच्छे हैं। काशी भाई आपको देखे के? नहीं मैंने नहीं, काशी भाई। काशी भाई एक सेकंड, ये सवाल था या एक्सेप्टेंस थी? इन्होंने कहा है ना। नहीं ये मतलब ये कह रहे मुझे लगा, मुझे लगा लेकिन मैंने बचा लिया आपको। हाँ, नहीं काशी भाई पहले से आए हुए। हाँ वेरी गुड, ये बातें हैं सारी। तो अपना तरह ख्याल रखना चाहिए आदि भाई। ख्याल रखें यार, इस मुल्क में अपना ख्याल आपने खुद ही रखना है। हाँ हर चीज में, अपने फ्यूचर का, अपने पढ़ाई का, अपने घर वालों का, अपनी सेहत का, अपने सड़कों का, अपने कचरे का, अपने घर का, अपने मोहल्ले का, नौकरियों का, तनख्वाहों का, हर चीज का खुद ही ख्याल रखना है, जरूरी है। गवर्नमेंट वाले तो आजकल फिल्में बनाने में मसरूफ हुए हैं तो अपना ख्याल खुद रख लेना अच्छा है। आज भी किस मूड में है आप? नहीं ऐसे ही कह रहा था। अच्छा गवर्नमेंट फिल्म बना रही ना पाकिस्तान को प्रमोट करने के लिए। ओके वेरी गुड, उसमें मसरूफ है ना। ठीक है भाई, मसरूफ है, इस बात को खत्म करते थे। आदि भाई आज की जो हमारी गेस्ट हैं, चलो भाई आज की जो हमारी, ये जो मैं पॉज देता हूँ ना और आदि भाई के चेहरे पे एक नूर सा आ जाता है। हाँ खुशी, एक दिन तो इतना नूर आया फिर नूर मेरे साथ गया, मैंने उसको रास्ते में उतारा है। नहीं आदि भाई बड़े खुश होते हैं। देखो अच्छी बात है ना, बारिश
इधर कोने पे पकोड़े बन रहे हैं और गेस्ट हमारी फीमेल। क्या जोड़ा है ना, बारिश, पकोड़े और गेस्ट हमारी फीमेल। वाह, नहीं आज की जो हमारी गेस्ट है उनसे हमारा बहुत पुराना साथ है। हमारा पुराना साथ है, हाँ, हालांकि हमारा नया आर्ट है। उनसे हमारा बहुत पुराना साथ है, जो कि हमारे पुराने फॉलोअर्स हैं वो जानते हैं कि इनके साथ हमने एक और शो पे बहुत सारा टाइम गुजारा है, बहुत ज्यादा टाइम गुजारा है और बड़ी अच्छी केमिस्ट्री हमारी इनके साथ। और आज खास तौर पर हमने इनको इसलिए बुलाया क्योंकि एक बहुत जल्द इनकी एक लाइफ में बड़ा मजेदार चेंज आने वाला है और हम इनको बहुत सारी विशेस, बेस्ट विशेस देना चाहते हैं और एक तरीके से वेलकम करना चाहते हैं हमारे चैनल में, क्योंकि ये यहाँ आ रही हैं हमारे साथ और फिर ये जुड़ जाएंगी और उम्मीद करते हैं जुड़ गई हैं, जुड़ गई हैं जब तक लोग शो देखेंगे। हाँ, जब तक वो, हाँ एग्जैक्टली, तो हम चाहते हैं कि हम उनको बाकायदा बुलाएं और आपकी इनसे मुलाकात करवाएं क्योंकि आपसे इनकी मुलाकात बहुत ज्यादा होने लगेगी अब से। अब आपके पीछे पड़ जाएंगे। अब आपकी इनसे मुलाकात होती रही। अब ये आप कहेंगे अब भाई तुम आ गए तो जा ही नहीं रही हो। लेकिन ये पता नहीं ये ढाई घंटे वाला कर रही है साढ़े पांच घंटे वाला, ये तो इनसे पूछना। नहीं, साढ़े पांच घंटे वाला हर कोई नहीं कर सकता, हर कोई नहीं, ये नॉर्मल वाला कर रही है। अच्छा, इनसे पूछेंगे फिर, वो नहीं कर सकती। ये क्या करते हो, मुझे समझ नहीं आता। हाँ, तुम बच्चे हो, तुम्हें क्या पता। तो खवातीन हज़रात, बहुत सारी तालियां जो कि आप लोग घर पर बैठ के बजाएंगे फॉर वर्दा शो। वेलकम टू द मजेदार शो, आइए तशरीफ रखिए। थैंक यू सो मच। वर्दा, मॉर्निंग शो मिलते ही अच्छी लगने लग गई है। नहीं, मैं चाहता हूँ, मैं डिटेल, मतलब वो डिटेल मैं अब बताऊँ आपको कि वर्दा बहुत जल्द टीवी वन पर जो मॉर्निंग शो है उसको होस्ट करेंगी। वर्दा, बहुत बहुत मुबारक हो आपको। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है जो आपने, जिसकी ठान लिया आपने, लेकिन बेस्ट ऑफ लक, उम्मीद करते हैं आप बहुत अच्छा करेंगे, हमें पूरा यकीन है। थैंक यू। जब उन्होंने हमसे पूछा भी था कि हम वर्दा को ला रहे हैं तो हमने कहा बिल्कुल, आप अपने हमने रिस्क पे ला रहे हैं, हमने तो कहा नहीं मत बुलाएं। आपके साथ इतना पुराना साथ रहा है मेरा, मजाक करो। देखिए, पहली बात तो ये मुझे खुशी हुई यहाँ आके कि मैं दोबारा से इतने टाइम बाद अपनी टीम से मिली हूँ, जिसमें काशिफ भाई भी हैं बिल्कुल, और काशिफ भाई के गाने दोबारा सुनने को मिलेंगे मुझे। जी जी बिल्कुल। और दूसरी बात, ये आप लोग देखें, मैं आप लोगों के पीछे पीछे यहाँ भी आ गई। क्या बात है आपकी, मैं कहता हूँ। मैंने मना भी किया हालांकि मर्दा कि आई एम कमिटेड विद वर्क, लेकिन मर्दा पीछे भी आ रही है। देखिए आदि, जैसे आपने कहा ना कि मैं पीछे ही पड़ जाऊंगी, मैं छोड़ूंगी नहीं। मर्दा कैसी हैं आप, ठीक ठाक हैं, खैरियत से? माशाल्लाह, हमने जितना फ्रेश आपको छोड़ा था आप उससे ज्यादा फ्रेश हो गई है। इसकी, इसका क्या राज है पहले तो ये बता दो। इन्होंने मुंह पे साबुन जमा लिया, पक्का पक्की फ्रेश हो गई। कैसे है ये? अच्छा, वही वापस जोड़ दिया ना सब करके। कैसे है भैया, माशाल्लाह, बताइए। नहीं बताए माशाल्लाह, कैसे? ऐसे ही है। आप ऐसे ही है, कोई खास, कुछ खास नहीं करती आप इसके लिए? नहीं, आधे घंटे के लिए कभी मैंने आपको मनहूस नहीं लगता देखा। वरना ऐसा होता है ना, जब आप लड़के लड़कियों की टीम होते हैं, कई बार ऐसी जगह से गुजरते हैं वो बगैर उसके देख ले काजल वाजल के, तो अजीब सी निकला। कुछ लोग तो पहचानने में नहीं आते। हाँ, आपको पता है एक बार मेरे साथ सेट पे हुआ। अच्छा, बस वाली कहानी नहीं है? नहीं, तुम्हारे साथ तो सेट पे पता नहीं क्या कुछ हुआ है, आपने नहीं बताना। शो वर्दा का ये। वेरी गुड वर्दा, मुझे बताएं आप इस शो के बारे में। मैं चाहता हूँ थोड़ा सा आपको, एक तो वेलकम करते हैं हम टीवी वन पे। थैंक यू। और हमें जरा शो के बारे में बताएं, क्या सोचा है आपने, कैसे? पहले तो नाम बताएं ना, नाम क्या? हाँ जी, नाम क्या सोचा आपने? बड़ा को अच्छा नाम होगा ये पता है मुझे। देखिए, नाम वही है जो था, लेकिन हम जो है मॉर्निंग में साए। नहीं नहीं नहीं, वो अच्छा मैं समझ गया, जो शो की एक रिकग्निशन है यहाँ पे, मुस्कुराती मॉर्निंग, आप उसको आगे लेके चलिए। मुझे लगता है अब लोग सही से मुस्कुराना शुरू हो, पुराने नियम को लेके चलनी है। मैं पुराने नियमों को और नाम को लेके थोड़ा सा चेंज करूंगी आज के मॉडर्नाइज। नहीं, नियम कुछ नहीं होता, पुराने नाम को लेके चल रही है। नाम भी कोई चीज नहीं होती फजान, इंसान तो कोई चीज ही नहीं है। अच्छा, दुनिया ही कुछ नहीं है। अच्छा अच्छा, प्लीज। नहीं नहीं, उस नाम से असल में ये शो बहुत ज्यादा जाना जाता है, देखा जाता है शुरू से, काफी अरसे पहले से यही नाम चल रहा है, जब से फैसल भाई इसको होस्ट करते थे तब से। तो उसके बाद साहिर भाई आ गए, फिर साहिर भाई के बाद अब वर्दा आ रही है। नहीं नहीं, तुमने कहा बताया ना, देखे फैसल भाई आए, उसके बाद आए साहिर भाई, उसके बाद फिर दो बाद जो है साहिर भाई और आए। मैं एक चीज क्लियर कर देना चाहता हूँ, वो भी ऑन एयर, कि हमारी साहिर भाई से बहुत अच्छी दोस्ती भी है। हाँ। उनकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं हम, और वो भी हमसे इंतहाई ज्यादा प्यार करते हैं, तो इन चीजों की कोई बुराई नहीं मानते। तो प्लीज आप लोग परेशान मत हो अगर जब हम ये करते हैं। एक बार आपको बता, मैं टीवन आता। अच्छा, बस अब मैंने कर दिया, नहीं तो बस यहाँ रुक जाओ। मैंने अलग कहानी है, मैं आया तो टीवी वन के ना बिल्कुल भाई साहिर भाई की बहुत बड़ी सी तस्वीर लगी है। एंट्रेंस पे ही लगी। आप टीवी पे भी आ रहे हैं, रिसेप्शन पे भी आ रहे,
बहुत ही क्यूट है साहिर भाई, साहिर भाई लव यू। नहीं वेरी नाइस, और मैंने भी इनके साथ काफी काम किया, काफी सारा काम। अच्छा जी वरदा, तो शुरुआत कहाँ से हुई, कैसे ये हुआ कि आपने कहा यार मैं होस्ट करती हूँ? माशाल्लाह, देखिए पहले तो ये तो मुझे खुद नहीं पता था, मेरी खुद के ना सिट्टी बिट्टी गुम हो गई थी। सबसे पहले तो मैं थैंक्स कहूंगी सीमा का, जिन्होंने मुझे इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी, मुझ पर ट्रस्ट किया, उन्होंने मुझे कितनी बड़ी जिम्मेदारी दी, अफशा ने, शहवार ने। और जब मैं फर्स्ट टाइम यहाँ पे आके सीमा से मिली, पहले तो मुझे कॉल आई कि एक शो के लिए मीटिंग है, आप आके मिल लीजिए। बजट पे हम बात कर लेंगे, ठीक है सही है, ठीक है तो अच्छा मैं चलती हूँ। मुझे लगा शायद न्यूज़ वन के लिए कोई टॉक शो या कुकिंग शो होगा। तो फिर इन द एंड अफशा और सीमा कुछ बात कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि हम एक मॉक कर लेते हैं, इससे बात कर लेते हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है, तो फिर 2 या 2.5 घंटे से ही हम करेंगे और सुबह 9 बजे वाला स्लॉट ही करते हैं ना। उस वक्त थोड़ा सा हुआ, मैंने कहा यार सुबह 9 बजे तो साहिर भाई का शो आता है, मतलब न्यूज़ वन से कोई नया कर रहे होंगे। मैं फिर बैठ गई, मैंने कहा अच्छा सही है ठीक है, कहना आप लाइव कर लेंगी? मैंने कहा रिकॉर्डिंग से ज़्यादा मुझे लाइव ही पसंद है और लाइव ही हम ज़्यादा प्रेफर करते हैं, तो मैंने कहा लाइव ज़्यादा बेहतर है रिकॉर्डिंग से। कहती हैं अच्छा। मैं जब खड़ी हुई थी तो फिर उन्होंने, मैंने कहा ये न्यूज़ वन का कोई मॉर्निंग शो टाइप का कुछ है? कहती नहीं, हाँ मैंने कहा कुछ न्यूज़ वन का शो है, तो सीमा मैम सेड के या इट्स अ मॉर्निंग शो। मैं उस वक्त अच्छा, फिर मैं अगला कुछ पूछना ही, मैंने कहा ये न्यूज़ वन का है? कहती नहीं बेटा, इट्स टीवी वन का मॉर्निंग शो है। मेरा मुंह खुला ही रह गया लिटरली, मेरी हालत। तो आपने फौरन हाँ कर दिया या आपने कहा मैं थोड़ा सोच के बताऊंगी? मैं हाँ तो कर चुकी थी पहले ही, मुझे पता नहीं था कि वो मॉर्निंग शो है, मैं तो समझ रही थी कि और शो है। बाद में मुझे नहीं, तो जिस जब शो था तो कोई ना कोई शो तो था, लेकिन ये नहीं पता था कि मॉर्निंग शो था। तो फिर उस पर मैंने पूछा कि साहिद भाई, तो उन्होंने बताया कि मास्टर हमको एक बहुत बड़ी और अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली है, तो वो वहाँ पे हैं। अच्छा, तो मुझे ये बताया ना कि मैं लोगों को बताना चाहता हूँ, वैसे लोगों को ये बात पता भी है कि वर्दा का जो है वो आपका जो सारा काम है कुकिंग के हवाले से है, आपका प्रोफेशन भी है और आप एक नॉन शेफ हैं, ठीक है ना। उसके बाद कभी आपने खुद सोचा था कि मैं एक शो होस्ट करूँगी खुद, या मेरा आपका कभी इंटरेस्ट था इधर? मेरा इंटरेस्ट था बिल्कुल, इत्तफाकन ऐसी बात है कि मैं अब मेरे और भी 3-4 शोज चल रहे हैं जो मैं एज ए होस्ट कर रही हूँ, कुछ डिफरेंट चैनल्स पे चल रहे हैं, कुछ अभी ऑन एयर होने वाले हैं, और बहुत आपको पता है मैं ब्रांड्स के साथ काम करती हूँ, उनका एक बहुत बड़ा सा अपना एक शो है वो भी मैं होस्ट कर रही हूँ। तो इत्तफाकन अल्हम्दुलिल्लाह एक नेचुरली एक सराउंडिंग्स बन गई कि मैं ऑलरेडी 4-5 शोज जो है वो एज ए होस्ट कर रही हूँ और अभी भी कंटिन्यू कर रही थी, उसी के बीच में से फिर मुझे ये चीज भी आ गई। तो जब मैं होस्टिंग करना शुरू हुई तो मेरा थोड़ा सा कुकिंग वाला, लेकिन वरदा आपको नहीं लगता कि वो जो आई एम श्योर जो ब्रांडेड शोज होंगे वो यकीनन आपके प्रोफेशन के हवाले से होंगे, क्योंकि आप कुकिंग करती रहती हैं, ठीक है ना। मॉर्निंग शो में आपको हर तरह का गेस्ट, हर तरह का टॉपिक, हर तरह के लोग मिलते हैं। पोछा बनाना, नाखून से पोछा बनाना, मैं ये वाले नहीं करूं, ये वाले नहीं करूं, नहीं मतलब उसमें आपको पता है ना हर तरह की चीज करनी होती है, तो इट्स अ बिग 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 चैलेंज, बिग चैलेंज। तो क्या आपने दोबारा घर जाके बोला, सोचा, किसी को बताया कि भाई ये मैंने ये कर दिया है, मुझे बताएं क्या करना है? घर वालों ने क्या कहा? मैं घर तक पहुंची नहीं, सीढ़ियों से नीचे उतरी, मैं टक्कर के फोन मिला दिया। अच्छा, फौरन बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, नहीं तुम कर लोगी, करो करो, मसला नहीं है। वैसे बिल्कुल मुझे भी ऐसा, घर वाले चाह नहीं रहे थे कि सुबह के टाइम आप घर ना हो? नहीं, मैं सुबह के टाइम वैसे भी कहाँ होती हूँ, आप लोगों के पास आ जाती थी पहले, इधर उधर चली जाती। अच्छा, तो मुझे बताएं कि आपने सोचा कि मैं क्या क्या चीजें करूंगी और क्या क्या चीजें डूज एंड डोंट्स होते हैं? Exactly. कुछ बनाया आपने? मैं चाहता हूँ शेयर करेंगी जी, नकली शादियां करवाएंगी? नहीं, नकली क्यों करवाएंगे, हम अच्छी करवाएंगे। चलिए मुझे बताएं कुछ डूज बताएं, कुछ डोंट्स बताएं कि जी मैंने सोचा ये वाले शोज में बिल्कुल करूंगी, ये वाले शोज में नहीं। देखिए, पहली बात तो ये कि मैं बहुत प्राउडली ये चीज कहती हूँ कि ये पहला शो है जो कि प्रॉपर फीमेल्स ने केटर किया है एक, और उसमें हम फीमेल्स को बहुत ज्यादा प्रमोट कर रहे हैं, वुमेन एम्पावरमेंट पे बात कर रहे हैं, और बहुत से कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिनमें हमारी सोसाइटी में बात नहीं की जाती है, कुछ टैबू समझा जाता है, या वो सोसाइटीज में हमारी प्रॉब्लम है, लेकिन कुछ घर की खवातीन जो आम खवातीन है वो इस चीज को समझ ही नहीं पाती कि प्रॉब्लम एक्चुअली है क्या, जिसमें जो है सोशल इश्यूज आ जाते हैं, जिसमें जो है वो करियर काउंसलिंग आ जाती है और दूसरी तरह की काउंसलिंग भी आ जाती है। तो मेरी कोशिश इस शो के जरिए ये है कि मैं उनके मसाइल तक पहुंचूं और उनको उनका हल दूं प्रोफेशनल जो हमारे गेस्ट होंगे उनके जरिए। तो आप मतलब पढ़े लिखों वाला शो करेंगे? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मेरी पूरी कोशिश है कि मैं ऐसा ही थोड़ा सा एक इन्फॉर्मेटिव शो करूं। तो फिर पोछे कौन बनाएगा? अच्छा, मैं यही पूछना था कि क्या नहीं करेंगी ये बताएं।
ये तो आपने बता दिया, आप क्या क्या करेंगे जी, सोशल इश्यूज पे बात करेंगे, करियर काउंसलिंग पे बात करेंगे, औरतों की एम्पावरमेंट पे बात करेंगे, जितनी चीजें एड्रेस करनी चाहिए वो हम करेंगे, क्या क्या नहीं करेंगे इस शो ये आप कहें जी। मैं आप शो देख लीजिएगा ना, अब शो देख लीजिएगा, सब कुछ यहीं बता दूंगी तो शो कौन देखेगा। सरप्राइज है ना, सरप्राइज है। नहीं फिर भी कुछ चीजें ऐसी होती है ना जो आप कहें जी सीमा मैम मुझे 10 करोड़ रुपए भी दे दे तो मैं नहीं करूंगी। आप मत कीजिएगा, हम कर लेंगे। नहीं नहीं शो देखिएगा, शो देखिएगा, बिल्कुल देखिएगा। सुबह 9 से। अच्छा कितना? 9 से 11.30 रखेंगे, क्योंकि मुझे पता है जब एक टीम जुड़ती है तो पहले आप लोग जलन होते हो, फिर बात करते हो कि यार हम ये रखते हैं ऐसे रखते हैं, तो कोई सेट फॉर्मेट होगा शो का, या आप लोग कह रहे हैं हर दफा इसको चेंज करेंगे? थोड़ा सा हम चेंज कर रहे हैं, बट डेफिनेटली मॉर्निंग शो है तो उसमें सेगमेंट्स तो हैं, ठीक है, और अच्छे सेगमेंट्स हैं, हमने काफ़ी मेहनत की है इस पर, हमने कोशिश की है कि कुछ अच्छा और कुछ डिफरेंट लेके आने की कोशिश की है हमने, एंड आई होप एंड आई एम श्योर कि जितना आप लोगों ने मुझे अप्रिशिएट किया है बाकी शोज़ के लिए, इस पर भी आप लोग मुझे उतना ही अप्रिशिएट करेंगे। तो क्या हम इसमें वर्धा को वर्धा शोएब की तरह देखेंगे, या हम वर्धा शोएब इसमें कहीं ना कहीं कुकिंग भी कर रही होंगी? नहीं, वर्धा शोएब कुकिंग नहीं करेंगे, नहीं मगरूर हो गई है, मुझे नहीं बोलना चूल्हा जलाने को। मैंने कहा थोड़ा सा मैं भी ब्रेक ले लूँ कुकिंग से, दूसरों को भी मौका मिलना चाहिए। लेकिन अगर आप कुकिंग का शो करेंगी, इसी में कोई कुकिंग का सेगमेंट हुआ और कोई गलत खाना पका हुआ, तो फिर वो शेफ जाग जाएगा या सोता रहेगा? उस पे तो बहुत बहस हुई है। उस पे तो अच्छा? सबसे पहले मेरी शर्त थी कि जो हम कुकिंग सेगमेंट करेंगे उसमें मुझे सर्टिफाइड प्रोफेशनल शेफ चाहिए, वरना मेरा फड्डा हो जाए। अरे भैया, तो उसके बाद क्या हुआ, उन्होंने ऐसा तो नहीं सेगमेंट काट दिया? नहीं, उसके बाद हमने रखी एक बहुत ही अच्छी शेफ है, शो देखिएगा, बताएंगी नाम ही देखना ना। नहीं आपको मैं दिखा, शो देखो, चलो आप लोग भी, भाई आप लोगों से गुजारिश, उठ के शो देखें, सारे सवाल यहाँ नहीं बताएंगे। अच्छा, उठ के ना देखें, सोफे पे बैठ के देखें। सुबह उठे 8:30 बजे, अपने सारे काम खत्म कीजिए। नहीं यार, काम भी तो होते हैं ना, आपने फ्रेशन अप होना होता है, अपना नाश्ता होना है, तो फिर आप 9 बजे चाय का, सुबह की कॉफी का मग या चाय का कप लेके टीवी स्क्रीन के सामने बैठिएगा, ताकि आप कुछ भी मिस ना करें। साथ बैठी भी करेगी, तुम्हारे घर में इतना फ्री टाइम होगा, हम तो सोच कितने काम करने होते हैं। नहीं नहीं, सबके लिए शो, सब मैं करके देखिए। अच्छा मतलब हमारे यहाँ बहुत सारी जबरदस्त फीमेल होस्ट मौजूद हैं, तो आपने तारीफ कर रहा हूँ। अच्छा ठीक है, तो आपने कभी किसी से कोई इन्फ्लुएंस हुई आपके, यार ये बहुत अच्छी होस्ट है, क्योंकि आपने भी तकरीबन सबके साथ काम किया हुआ है, आपने कहा मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत अच्छी फीमेल होस्ट है, मुझे लगता है इनसे कुछ सीखना चाहिए, इनसे कुछ समझना चाहिए? अच्छा एज लाइक अगर आप बात करें जेंडर की, तो मैंने किसी फीमेल या मेल होस्ट से ज़्यादा नहीं, मैं इस तरह से मैंने सीखा, मैंने कुछ अच्छी चीज़ें बहुत सीखी, मैंने फैसल भाई से बहुत कुछ सीखा, मैंने सिदरा इकबाल से बहुत कुछ सीखा है, ठीक है, बहुत सीखा है, और ज़्यादातर तो मैंने फैसल भाई के साथ बहुत ज़्यादा, सबसे ज़्यादा काम मैंने आप लोगों के साथ ही किया है फैसल भाई से, उनसे मैंने बहुत सी चीज़ें सीखी हैं। हाँ। और जैसे कि फैसल भाई से मैंने एक तो ये सीखा होगा कि जब बोर हो रहे हो दाढ़ी में ऐसी मेरी दाढ़ी नहीं है। ओह अच्छा सॉरी जी, बताएं। मेरी दाढ़ी नहीं है भाई, मैं भी तो कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ ना। तुम ना करो। नहीं फैसल भाई जिस तरह से लोगों को स्पेस देते थे बोलने का, उनकी बात करने का, और बहुत ही काम होके वो बैठते थे, और जितने जिस अंदाज से वो शो को कंडक्ट करते थे, इजीली ड्राइव करते थे, कोई इनसिक्योर नहीं। हाँ या हॉश पॉश नहीं है चीज़ें, या फिर कोई परेशानी नहीं, कोई चीखम चाखी नहीं, बहुत आराम से स्मूथली लेके चलते हैं, तो मैंने ये चीज़ बहुत ज़्यादा सीखी। सिदरा इकबाल इज़ अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइंड, बहुत डियर फ्रेंड है मेरी, उनसे आई लव द वे शी स्पीक, ठीक है, है भी प्यारी सी, मुझे बोलने का तरीका बहुत अच्छा लगता है, ऑल्दो मैं बिल्कुल उनको नहीं, मैं इतने धीमा नहीं बोल सकती, नहीं कह रही मैं उतना धीमा नहीं बोल सकती, मैं उतना धीमा बिल्कुल नहीं बात कर सकती, मैं चाहूँ तो मेरी स्पीड है, ब्रेक नहीं लगता बहुत मुश्किल से। मैं आपको रेसिपी सुना सुना के आदत हो गई ना, टाइम लिमिट देते थे 10 सेकंड देते रेसिपी सुना देते, 10 सेकंड है रेसिपी कंप्लीट कर दो। हाँ मुझे याद है, हमने बहुत तंग किया इनको शो पे, हम इनको कहते वरदा 1 मिनट में आप रेसिपी दे दें, दे देती थी, पका भी देती थी। आपने सिदरा इकबाल से सीखा, फैसल भाई से सीखा, और किससे सीखा, निदा यासर से सीखा? निदा यासर से भी सीखा मैंने, जितना स्मूथली वो शो कंडक्ट करती है 2.5 घंटे का, इतने सालों से मैं भी 2.5 घंटे का शो लेके आ रही हूँ, कुछ तो अच्छा। किसी ने आपको पता है मशवरे देना हमारे यहाँ कौमी खेल है, तो किसी ने कोई मशवरा दिया अच्छा बुरा के इस शो में ऐसे करो और ऐसे ना करो, मशवरा दिया होंगे सब बच के रहना, यूं होता है दोस्तों में या कलीग्स में या घर वालों में, किसी ने कोई मशवरे दिए? अभी तक तो नहीं। अच्छा अभी तक तो विशेज ही आई हैं और सबने अप्रिशिएट किया है और कहा है कि नहीं नहीं तुम कर लोगी, अच्छा कर लोगी, तो जस्ट कैरी ऑन।
तो कभी तक कोई मशवरा नहीं, मशवरा नहीं दिया आप लोगों ने टीम में, किसी बात पे कॉन्फ्लिक्ट हुआ? ये तो होता ही होता है, ये तो होता ही होता है ना कि भाई आपकी टीम कह रही है ये कर ले, आप कहते नहीं, मैं कहता हूँ ऐसे करें। नहीं, मेरी टीम बहुत अच्छी है बेचारी, इतनी अच्छी टीम है मेरी और बेस्ट टीम है मेरी। आपकी टीम में कौन कौन है? मेरी टीम में अक्षा है, मेरी टीम में हिरा है, मेरी टीम में शहवार है, रिजवान है और फैसल भाई हैं, ये सब मेरी टीम के। आए, मेरी अंजुम रह गई। उनको आप लोगों ने मजेदार शो पे इतना बिजी किया हुआ है कि हम पकड़ नहीं पाए उनको। मैंने कोई बिजी नहीं किया। अंजुम जी को हम नहीं दे सकते, I'm sorry. अंजुम जी सॉरी, मेरे साथ जाएंगे जहाँ भी जाएंगे। अंजुम जी को हम नहीं दे सकते, शी इज वेरी डियर टू अस। अंजुम जी असली में है भी नहीं, वो सिर्फ T1 वालों को नजर आती है। अच्छा तो मुझे बताएं कि इसमें क्या सिर्फ हम सीरियस शोज देखेंगे या इसमें कुछ मजेदार शोज भी होंगे? नहीं। क्या हम इसमें कॉमेडी भी देखेंगे, क्या हम इसमें म्यूजिक भी देखेंगे? थोड़ा सा और बताएं ना मुझे अपने शो के बारे में। कॉमेडी भी होगी ऑफ कोर्स और बहुत सीरियस शो नहीं होगा, और बाकी आप शो देखेंगे तो पता चल जाएगा। अच्छा ये टॉपिक्स कैसे डिसाइड होंगे कि जी आज हमने इस टॉपिक पे बात करनी है, या एक दिन पहले डिसाइड होंगे, पहले से दो दिन पहले से डिसाइड होंगे? एक वीक का जो है पूरा एक का हमने बना लिया, रेडी कर लिया है, ठीक है, और किस दिन क्या होगा वो आप शो देख के पता कर लेंगे। तो मुझे ये बताएं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि शुरू में आपने होमवर्क कर लिया और महीने बाद आप बोर हो गए और उसके बाद आपने कोई फॉर्मूले वाला शो कर लिया? ऐसा तो नहीं होगा, हो जाते ना? नहीं नहीं, फॉर्मूला नहीं होगा, मुझे लगता है नहीं होगा। ये इस सवाल का जवाब मुझे आप दोनों देंगे, क्योंकि इतने सालों से आप लोग मेरे साथ काम कर रहे हैं, आपको आइडिया भी होगा, तो आप मुझे बताइए कि आपको क्या लगता है। मुझे तो लगता है बहुत प्रिपेयर्ड होंगी, क्योंकि हमने हमेशा आपको उस वाले शो पे देखा था कि हम बड़े टहलते हुए रात को सुबह सुबह आंखें मलते हुए आ रहे होते थे और वर्धा जो है वो पीछे कह रही थी इसको इतना काटो, इसको इतना दर करो, ये वाली वहाँ रखो, ये वाले वहाँ रखो। तो मतलब ये अपनी पूरी रेसिपी को ना पहले से ही प्रिपेयर कर लेती थी कि भाई मुझे ये इस तरह से करना है। हमेशा वेल मैनेज्ड रही हैं आप। अच्छा ये बताएं, कोई ऐसा शख्स या ऐसी शख्सियत, ओफो इतनी उर्दू, ऐसा शख्स या ऐसी शख्सियत जिसका आपने सोचा इसको तो मैं बुलाऊंगी नहीं, या आके दिखा दे मेरे शो पे? नहीं यार, ऐसा कोई भी नहीं है, मेरी किसी से नहीं, नहीं कोई तो होगा आपने बोला भाई ये मेरे शो पे नहीं आएंगे। जरा देखिए मैं फैजान क्या करने जाता हूं। फैजान, कोई ऐसा शख्स जो तुमको इस शो पे कभी नहीं आएगा? इस शो पे कभी नहीं आएगा जो यहाँ ना रहता हो? जो यहाँ ना रहता हो वो कैसे आएगा? कैसे आएगा? हाँ, जो पाकिस्तान में ना रहता। आप हमारा कॉपी नहीं करें ना। मैंने आपने कहा यहाँ ना रहता हूँ, मैंने कहा पाकिस्तान में ना रहता। अरे भाई बाप, बिल्कुल मुख्तलिफ जवाब दिया आपने। अमेजिंग पर्सनालिटी। वक्त हुआ जी ब्रेक का, ब्रेक पर जाइए, ब्रेक से वापस आइए। आप देख रहे हैं मजेदार शो। बैठ पागल हो गए। आपसे एक सवाल होगा, उसके दो जवाब होंगे, आप तीसरा जवाब नहीं दे सकते। जब हम आपसे कहेंगे तो आपने जो जवाब दिया उसको एक्सप्लेन करेंगे, आपने जवाब क्यों दिया? दिया। ओके, समझ आया आपको? आ गया। आ गया? नहीं, मुझे आ गया। आपका शो देखती रहती हूँ मैं। वेरी गुड। अच्छा जी, ट्रू लव या फिर इंस्टेंट वेल्थ? ट्रू लव। ओके, सेवरल फ्रेंड्स या फिर एक अच्छा दोस्त? बहुत सारे दोस्त या एक अच्छा दोस्त? एक अच्छा दोस्त। डबल रोटी के ऊपर मक्खन लगाना, डबल रोटी के ऊपर शहद लगाना, डबल रोटी के ऊपर चीज लगाना? ये तो ऑप्शन ही नहीं है। ऑप्शन नहीं है ये। जो ऑप्शन दिया उसी में से जवाब देना है। प्लीज डोंट अवॉइड बिकमिंग बर्गर। नहीं, जो ऑप्शन दिया बस वो बता दे। मक्खन या हनी? मक्खन। मक्खन, ठीक है। कॉमेडी फिल्म चल जाता है ना? कॉमेडी फिल्म पसंद है या फिर थ्रिलर फिल्म पसंद है? कॉमेडी। अच्छा, नए कपड़े या नए फोन? नए कपड़े। नए कपड़े। छुट्टियों पे अकेले जाना या किसी के साथ जाना? फैमिली के साथ जाना। फैमिली के साथ जाना, ठीक है। वक्त से पहले आ जाना या फिर हमेशा लेट आना? वक्त से पहले आ जाना। ओए होए, जोर से टिका के बोला, वक्त से पहले आना, ये बहुत जरूरी है। फेमस एंड पुअर या फिर अननोन एंड रिच? किस चीज? बहुत मशहूर है लेकिन गरीब है, लेकिन किस चीज में? किस में चूज करूं? लाइक एज अ फ्रेंड, फेमस एंड पुअर और अननोन एंड रिच? अपने लिए। अपने लिए, अपने लिए। अच्छा, फेमस एंड पुअर, अननोन एंड रिच? अननोन एंड रिच। सादे कपड़े पहनना या फूल पत्तियों वाले कपड़े पहनना? ऐसे कपड़े पहनना। ये क्या है, सादे या सादे फूल पत्ती? अच्छी, मतलब मुनासिब से, डीसेंट से। डीसेंट से, शोखापन पसंद नहीं है। अच्छा भाई। अच्छा जी, अटेंड अ पार्टी और होस्ट अ पार्टी? होस्ट अ पार्टी। पार्टी ड्रिंक्स के साथ, बगैर ड्रिंक्स के, सिर्फ पानी वाली? कोल्ड ड्रिंक रखेंगी या सिर्फ पानी रखेंगी?
अब जवाब देना है, डिपेंड्स तो है ही नहीं इसमें, ईस्टर्न कपड़े या वेस्टर्न कपड़े? डिपेंड करता है ना मूड पे, एनवायरनमेंट पे, कहाँ पे है ना, प्रेफरेंस क्या है, ईस्टर्न कपड़े या वेस्टर्न कपड़े बताइए, प्रेफरेंस होती है आदमी की, ईस्टर्न कपड़े वेस्टर्न कपड़े? वेस्टर्न, मुझे ईस्टर्न कपड़े ज्यादा अच्छे लगते हैं, आसान, आप बताए, ईस्टर्न कपड़े, ईस्टर्न कपड़े, ये बताइए बच्चे कैसे आपको अच्छे लगते हैं, छोटे बच्चे, बड़े बच्चे, बहुत बड़े बच्चे, या किसी स्कूल से आए हुए बच्चे? इन्फेंट और टॉडलर्स, इन्फेंट और टॉडलर्स, ओके, टॉडलर आपको पता है क्या होता है, वो जूते सीता है? नहीं, ये पॉपुलर होता है, कह रहे चॉकलेट आती है टॉडलर ऑन, टॉडलर ऑन, बड़े बच्चे संभलते नहीं है, इधर से उधर भागते रहते हैं, बड़े बच्चे तो किसी के भी आदमी आते हैं। अच्छा ये बताए, सांप सीढ़ी या लूडो? लूडो, लूडो, सांप काटने वाला पसंद है या बगैर काटने वाला? डसने वाला, डसने। चलो अच्छा जी, उधार देके भूल जाती हैं या फिर वापस मांगती हैं? नहीं, भूल जाती हैं। कितना कोई उधार फंसा हुआ आपका मार्केट में? देखिए उधार तो नहीं, जब दे दिया नहीं, तो हम कैसे देखे, हमें क्या पता, हमें थे नहीं हम, हाँ, कितना कोई उधार फंसा हुआ बताएं, सच बताइए, काउंट नहीं किया उन्होंने, मिनिमम बता दें, उधार नहीं दिया मैंने, किसी दिया ही नहीं, किसी उधार को नहीं, क्या दिया, हेल्प की है, हेल्प, अच्छा तो फिर तो आप वो तो वापस नहीं मांग सकते ना, मतलब उधार नहीं देती आप, वरदा कहती उधार में नहीं, मैं बोर्ड लगाती हूँ, उधार देके बराए मेहरबानी शर्मिंदा ना करें, शर्मिंदा ना करें। ये बताइए समंदर में नहाना पसंद है या नहर में नहाना पसंद है? समंदर में, नहर में, नहीं भाई नहीं, आपने मुझे नहर कहा, हाँ, नहीं नहीं नहीं, नहर का समंदर, नहर, नहर ना, तो समंदर, समंदर, नहर का पानी तो मीठा होता है, तो बेटा नहाना है, पीना थोड़ी है, अरे समंदर में जब लहर आएगी तो ज्यादा मजा आता है नहाने में। हॉट कॉफी या कोल्ड कॉफी? कोल्ड कॉफी, ठीक है। डाइट या फिर ईट एंड बर्न? डाइट करती हैं आप या आप कहती हैं खाओ लेकिन बर्न कर लो? नहीं, जब फंस जाती हूँ तो करनी पड़ती है, डाइट करनी पड़ती है। पेट्रोल या डीजल? मैंने गाड़ी नहीं चला, मैंने गाड़ी चलानी नहीं, गाड़ी तो नहीं चलानी, मैं गाड़ी बोला, नहीं गाड़ी तो नहीं बोला तुमने, मैंने कहा पेट्रोल या डीजल, तो किस पे, क्या खाना बनाने के लिए? भाई किसी भी चीज के लिए हो सकता है, जनरेटर के लिए हो सकता है, खुशबू सूंघने के लिए हो सकता है, पेट्रोल, पेट्रोल खुशबू अच्छी लगती है, पेट्रोल की खुशबू अच्छी, काशी भाई ने 2 साल पेट्रोल सूंघा है, क्या एवरेज हो गया इनकी? अच्छा ये बताए रियलिटी शोज या फिर डॉक्यूमेंट्रीज? मुझे लगता है ये अच्छा, ये बताए पूरा रॉ मटेरियल लेके खाना पकाना या पका पकाया खाना पकाना? पका पकाया खाना कैसे? टीनों में नहीं आता, टीनों में नहीं, नहीं वो तो गर्म करना होता है खाली, वो तो खाली आपको लेके खाली माइक्रोवेव करना होता है। अच्छा प्रेफरेंस क्या, कॉलिंग या फिर टेक्सटिंग? कॉलिंग, मैं बहुत बड़ी चोर हूँ टेक्सटिंग की। अच्छा, बहुत बड़ी, मैं टेक्स्टिंग की। अच्छा, टेक्स्टिंग। ये बताइए वो वॉइस नोट जो आता है व्हाट्सएप पे, वो अपनी नॉर्मल स्पीड में सुनती है या डबल स्पीड? थैंक्स टू व्हाट्सएप की अब स्पीड डबल हो जाती है। कितनी खुश हो रही है, आपको अच्छा लगता है वो? मैं हैरान होता हूँ कि लोग समझते कैसे उस बात को, ये भी सुनता है नहीं। देखिए फैजान होता है, ये हमें पता होता है किसका मैसेज कितना लंबा है, वो कितने काम की बात होगी, तो हम उसमें से फास्ट फॉरवर्ड कर देते हैं, काम की बात समझ लेते हैं। बड़ी बड़ी बात है, लोग बेचारे इतने दिल से वॉइस नोट भेजते हैं और आप उसको फास्ट फॉरवर्ड करके सुनते हैं, कितने लंबे लंबे आते हैं यार, कोई बात नहीं, इतने लंबे लंबे आते हैं, अक्सर नाप नहीं मिलता उनका, कोई बात नहीं। अच्छा मुझे बताएं कि आपके फेवरेट शेफ कौन है पाकिस्तान में? मैं कहूँ चले, मुझे बताएं टॉप 3 शेफ्स आपके, वरदा आप, और आप ये रैंकिंग कर रही है, मैं बता रहा हूँ आपको। वाह भाई, रैंकिंग करनी है, सर्टिफाइड शेफ्स एक्सपर्ट्स के भी नाम ले सकते हैं, किसी के भी नाम ले लें, आप मेरा नाम ले लें, टॉप 3 शेफ्स अकॉर्डिंग टू वरदा शोएब। स्टेक्स में आई प्रेफर रिदा एंड खुर्रम, और उसके अलावा अगर सेलिब्रिटीज में से पूछा जाए तो शेफ जाकिर मुझे बहुत, वो तो जबरदस्त है, ठीक है, और समीना आपा, ओ वो कौन, वो कुकिंग एक्सपर्ट है, अच्छा कुकिंग एक्सपर्ट है समीना आपा, श्री आपा। और अगर मैं आपसे कहूँ आप मुझे तीसरी भी तो रह गए, दो तीन हो गए ना, कैसे तीन हो गए, रिदा और खुर्रम, ओ अच्छा दो लोग, हाँ ये लोग भी थे, शेफ समीना भी आपने कहा और इन्होंने कहा एक शेफ सादत, कैसे लगते हैं आपको शेफ सादत? भी बहुत अच्छे लगते हैं ना, इज अ वेरी नाइस पर्सन, बहुत अच्छे हैं यार शेफ सादत, नाइस पर्सन है, बस मॉर्निंग शो पे चटा पहन के आते हैं, हां ये कौन मसला है, वो चिल आते हैं, रिलैक्स, वो जिंदगी में चिल है, हां तो अच्छी बात है, ऐसा होना चाहिए। अगर मैं आपसे कहूं मुझे दो नाम ऐसे बताएं जो शेफ हैं लेकिन उनको खाना पकाना नहीं आता, तो वो कौन लोग होंगे? जरा आपका काम भी तो बंद करवाएं, बोले बताएं बताएं प्लीज, चले दो नहीं, एक बता दें जिनको आपने टीवी पे देख के बोला, ये आप सिर्फ, आपने ये नहीं बोलना कि उनको खुदा
इतना खासा काम नहीं आता, आप बोले ये नहीं मुझे लगता है कि सही खाना, ये जूते पॉलिश कर ले, मुझे सही नहीं मेरा अब तक किसी से फड्डा नहीं है, ये फड्डे करवाएंगे मेरे, हर फड्डा जो है ना शो पे आती है मगरूर हो गई, हर किस फड्डे वाली बात नहीं है, हर किसी को हर कोई पसंद नहीं होता। तो एक रैंडम से सवाल है भाई, आप मुझसे पूछे कौन नहीं पसंद, पूछो आपको कौन ऐसा पसंद, तुम ठीक है, अब आप तुम्हें कौन नहीं पसंद, तुम ये तो होता है, तो जिंदगी है, ये तो ये बताएं है। कौन नहीं पसंद आपको, मतलब दिल पे नहीं लेना, मॉर्निंग शो मुझे आदि के खाने नहीं पसंद, किसके आदि के, मेरे खाने नहीं पसंद आपको, आपने कहा ना कि अगर मेरा नाम भी ले सकती है तो आपका खाने मुझे नहीं पता आप कैसे पकाते हैं, खुद ही तुमने फंसवा दिया अपने आप को, जान बूझ के किया था कि मेरा नाम, अच्छा कोई बात नहीं, अच्छा वरदा अगर मैं आपसे कहूँ की एक गो टू, तुम क्यों कह रहे हो उनसे बार बार, हर बात तुम उनसे कह रहे हो, आपको आप मुझसे भी तो कहो नहीं अगर मैं आपसे कहूं अपनी कुछ और फेवरेट, कर आला कुछ और से शुरू करो, वरदा मुझे ही बताइए, ये मेरा भाई, कि आपकी फेवरेट डिश क्या है पकाने के लिए, मैं बताऊं मेरी डिश कौन सी है, नहीं जिसमें 100 चैनल आते हैं, मैंने कहा नहीं इसीलिए मैं नहीं पूछ रहा था तुमसे, इसलिए कहता हूं टाइम पे, हां जी बताएं 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 बताएं, अगर हम स्मैश बर्गर बना रहे हैं, बर्गर स्मैश बर्गर बना रहे हैं, बर्गर बीफ बर्गर कैसे बता रहे हैं उसके बारे में बता दूं, हाँ बताइए, अगर आप स्मैश बर्गर बना रहे हैं बीफ बर्गर, तो उसकी पैटी के लिए आप बीफ ले लीजिए, उसमें 20% फैट होना लाजमी है, आधा किलो का अगर आधा किलो बीफ ले उसमें 20% दस बंदा खा लेगा उसमें, नहीं अबे आधा किलो में 10 बंदा का, दो बंदे तो उन्होंने पूछा ही नहीं कितने लोग आ रहे हैं ना, ये तो बात है, ये देखे ना अब देखो वरदा रिश्ते में यही मुश्किलात होती हैं, उसने आपको बताया कितने पीपल आ रहे हैं, अब आप कह रही 10 नहीं तो चले हम 5 लोगों को, देखिए अगर गेस्ट घर पे आपके दो आ रहे हैं तो फिर भी आप दो एक्स्ट्रा तो बनाएंगे ना, पहले पूछे कितने लोगों के लिए बनाना है, अच्छा मजे की बात है हम ये हम सारे गेस्ट के साथ खेलते हैं, कोई ये नहीं पूछता कि खाना बनाना कितने लोगों के लिए, आप पहले आप हमसे पूछो, सबको ये काम करना चाहिए भाई, पहले आप मुझसे पूछे कितने लोगों के लिए बनाना, रुक जाए मैला मशवरा करें, पहले मामी फिर उनको छोड़ो यार, दो लोग हैं सिर्फ, अच्छा तो फिर आप आधा किलो लीजिए, तो ये तो ज्यादा हो जाएगा, जाया हो जाएगा, दो लोगों के साथ अगर कोई एक और आके आप नहीं खाओगी, आपकी अपनी नदीदी आंखों से उनको देखोगी, तो भाई तीन तो हो ही गए ना ऑलमोस्ट, अगर कोई एक और आ गया तो फिर कम से कम 4-5 लोगों के लिए तो बनाना पड़ेगा, अच्छा चले तीन, डराए नहीं यार, टोटल तीन लोग आ गए, तीन लोग आ गए, अच्छा जी आप आधा किलो जो है वो कीमा ले लीजिए, कैमरे में बोल रही हूँ, जो जिनके घर मेहमान आ रहे हैं वो बना ले, कैमरे में बोल रही हूँ, अच्छा जी आधा किलो कीमा ले लिया आपने, 20% फैट होना चाहिए, 20% फैट होना चाहिए, उसको आप अच्छी तरीके से मशीन में जो है वो बारीक, कौन सी मशीन, बालों की मशीन, कीमे की मशीन, वॉशिंग मशीन, देखे में आ रही है, देखे करती हम लोग ये कुकिंग शो नहीं है तो आपको हर चीज डिफाइन करनी है, ठीक है ना, आधा किलो ऑडियंस इज वेरी इनोसेंट, तीन लोग आ रहे हैं, आधा किलो कीमा आपने ले लिया बीफ का, उसको कीमा पीसने वाली मशीन में क्या किया, आपने उसको बारीक पीस लिया, बारीक पीस लिया, सही है, बारीक पीस लिया, अब उसमें आप ऐड कीजिए, टीस्पून भी बताऊंगा कितने चम्मच डालने हैं, अच्छा एक टीस्पून आपने नमक डालना है, कितने, एक टीस्पून नमक, एक टीस्पून काली मिर्च, एक टीस्पून काली मिर्च, मस्टर्ड पाउडर अगर है तो वो हाफ टी, अगर है तो, और अगर पेस्ट है मस्टर्ड पेस्ट है तो फिर वो भी 1 टीस्पून मस्टर्ड पेस्ट पाउडर, अगर नहीं है तो मस्टर्ड पेस्ट आप यूज कर सकते हैं, कितना, 1 टीस्पून, और उसके बाद आप उसमें 2 टेबल स्पून जो है वो मेल्टेड बटर, यानी कि मेल्टेड बटर यानी पिघला हुआ मक्खन डाल दें, और 1 टेबल स्पून ओरिगानो और पेपरिका, ओरिगानो क्या होता है उर्दू में, ओरिगानो ही होता है, अजवाइन के पत्ते, अपने हाथों से उसको यूं करके मिक्स कीजिए, गटोटे लगाएं, गटोटे ओके अच्छे तरीके से मिक्स किया आपने, उसको आप ढक के फ्रिज में रख दीजिए, फ्रिज में मेहमान आ रहे हैं, हाँ ये आपको मैरिनेशन करनी पड़ेगी कम से कम भी आधा घंटा, जब तक मेहमान आ रहे हैं रास्ते में ना कहीं भी पहुंचे, बारिश हो गई है या लेट हो गए मेहमान, हो सकता है ना, आप बताएं ना, तो ये मैरिनेशन कर लिया आपने, ये कितनी देर रखना है वहाँ पे, आधे घंटे के लिए कम से कम, और अगर लाइट चली गई तो, भारत में बाहर का वीजा भी ना लगा दो, मतलब कहाँ रख दे, बाहर रख दे, फ्रिज से बाहर रख दे ताकि खराब ना हो, ओके नहीं खराब तो फ्रिज में भी नहीं होगा, इतनी कूलिंग तो रहती है, अगर लाइट ना जाए 2 घंटे तो फ्रिज में चल जाए, काशी भाई ने अपने घर में
आउटर और इनर एक ही जगह लगाया हुआ है। काशी भाई यहाँ भी यहाँ अच्छा चलें बताएं। काशी भाई को हमने 3 दिन फ्रिज में रखा था, देखें आप चुप हो जाओ फ्रेश। अच्छा जी आधा घंटा आपने उसके बाद आपने जो भी बर्गर बंस आपके पास अवेलेबल हैं आप वो ले सकते हैं। हमारे पास अवेलेबल नहीं, दुकान में काम कर रहे हैं यार, घर है हमारा, जो भी मिल जाए। हाँ ये बेहतर है, ये बेहतर है, जो भी मिल जाए आप वो ले लीजिए। और उसके बाद हम खरीद लीजिए, ठीक है, और बर्गर सॉस बना लेते हैं। बर्गर सॉस बनाएंगे इसके साथ साथ, वेरी गुड। बर्गर सॉस बनाएंगे 1/4 कप मेयोनीज, एक प्याला लीजिए, उसमें 1/4 कप जो है मेयोनीज ऐड कीजिए, 2 टेबलस्पून आप उसमें केचप ऐड कीजिए, 1 टेबलस्पून टबेस्को सॉस, नमक, काली मिर्च और एक आधा चम्मच मस्टर्ड पेस्ट। आधा फिर मस्टर्ड पेस्ट डाल दिया, हां वो इसका फ्लेवर अच्छा आता है, इसका फ्लेवर अच्छा आता है, मस्टर्ड का फ्लेवर अच्छा आता है। मिक्स कर लीजिए और आपका बर्गर सॉस रेडी है। और फिर आपने जो है वो बर्गर पैटीज, अगर आपके पास बर्गर पैटी के मोल्ड्स हैं फैक्ट्री में बन रहा है, जिससे बर्गर सांचे हां सांचे बर्गर पैटी बनाने के सांचे अवेलेबल हैं, तो आप उसमें बर्गर पैटी बना सकते हैं, वरना 15 ग्राम की बर्गर पैटी जो है वो आप नॉर्मली अपने हाथ से बना सकते हैं ऐसे करके, और उसको आप एक शीट पे रख के जो है ना हल्का सा प्रेस कर देंगे। हल्का कितना हल्का होता है? प्रेस करने कॉलर खड़े रखने नहीं, उसको प्रेस कर देंगे तो इजीली पक्के थोड़ा सा और शिफ्टिंग होता है ना वो। अच्छा नहीं तो मुझे बताएं प्रेस कैसे करना है पहले तो। आप कोई भी फ्लैट आप बोल नहीं आप कोई प्लेट ले लें, आप कोई भी प्याला ले लीजिए, प्याले का नीचे का जो हिस्सा होता है जो बेस कहलाती है उसकी, जैसे ये है इसकी बेस, इससे प्रेस कर लेंगे तो वो थोड़ा सा फ्लैट हो जाएगा, जब वो फ्राई हो रहा होगा तो वो श्रिंक होके थोड़ा सा छोटा हो जाएगा, थोड़ा सा मोटा हो जाएगा। तो आपने ये ध्यान रखना है कि जो आपका बन है उसके साइज से थोड़ा सा बड़ा आपने जो है वो बनाना है, ताकि वो बन के छोटा हो गया होगा तो उसकी साइज का हो जाए। समझ आई? गुड। फिर आप उसको फ्राई कर लीजिए, फ्राई करने के बाद चेडर चीज का एक स्लाइस लीजिए, जब दोनों साइज नहीं एक से नहीं होगा ना, दो रखें, मेहमान आ रहे हैं, एक्स्ट्रा चीज खाते हैं, चलिए एक्स्ट्रा चीज वालों के लिए। और बर्गर पैटी दो लगानी है एक बर्गर में, एक यार ये आपको बताऊंगा, आप शेफ हम थोड़ी नहीं, तो आपकी फरमाइश पे ना स्लाइस दो लगा ली तो फिर मैं पैटी भी दो लगा सकती हूँ यार, आप अगर अड़ी करनी है फिर हम किसी और को बुला लेते हैं। एक 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 तो फरमाइशी प्रोग्राम चला रही एक, एक 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 बेटा एक बोल रहा। आप एक रखें। अच्छा जी एक रखा, फिर आप उसको एक क्या रखा बताएं तो सही, दोनों साइड जब कबाब फ्राई हो जाए आपका तो एक क्या रखा पहले ये बता दें, एक स्लाइस चीज का नहीं तो मैं तो पैटी की बात कर रहा था, पैटी के ऊपर ही रख रही हूँ ना, पैटी एक रखें, एक पैटी रखी उसके ऊपर चीज का एक स्लाइस रखा, उसको हल्का सा लिड से कवर कर लें 2-3 सेकंड के लिए ताकि थोड़ा सा मेल्ट हो जाएगा, अभी जाएगी अभी जाएगी। ओके आपने जो बर्गर सॉस डाला है वो बेस पे लगाएं, बन के नीचे वाले पार्ट पे लगाएं तो वो तो मुंह पे अजीब सा हो जाएगा, मुंह पे लगाएं, बेस पे लगाएं, बूम 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 बूम। चले चले फिर आपने सॉस लगा लिया, सॉस बेस पे बन नीचे वाले बन पे बर्गर के आपने सॉस लगाया, उसके ऊपर आपने जो है वो बर्गर पैटी रखा, चीज ऑलरेडी उस पे है, आप लेटेस्ट मुझे पता है चीज किस पे, अपनी छोटी बहन पे चीज पूरी शक्ल बर्गर पैटी में ऑलरेडी एक चीज हम लग के मेल्ट कर चुके हैं, फिर उसके ऊपर आप उसमें लेटस लीफ रखिए, फिर उसके ऊपर एक और चीज का स्लाइस रखिए, बर्गर सॉस डालिए। मुझे एक बात बताइए, लेटस ने लीफ कहां से ली? सलाद पत्ता, सलाद पत्ता आपको कहीं से भी सलाद पत्ता बोले ना आप, लेटस लीफ लगा, लेटस लीफ छुट्टी मांग रहा है ऐसे कैसे छुट्टी दे देंगे भाई, सलाद पत्ता आप रखिए, फिर उसके ऊपर एक और चीज का स्लाइस रखिए। और नहीं आप पता क्यों, अब आप ज्यादा कर रही हो चीज, दो चीज आपने कहा था, डबल चीज, तो एक तो आपने रख दिया, एक मेल्ट हो चुकी थी ना, एक आपने कबाब पे रख दी, दो तीन फिर ये ज्यादा हो रहा है, फिर ये ज्यादा हो रहा है, ऐसा ना क्या, अब आपके अपने पैसों का नहीं आया हुआ ना सामान, आप लगाई जा रही हो, ऐसा नहीं करें, मेहमानों के लिए तो खुद ही बनाएगा ना, ये मेहमान हमारे, चले भाई मान लिया, चले वो भी हो गई चीज हो गई, फिर आखिरी बता दे बस, अब फाइनली आखिर में ऊपर से बंद रख दे, ऊपर से रखना बंद, ऊपर से मतलब फ्लोर से फेंके, अरे ऊपर से कितना, कोई ऊपर से हो क्यों करना है बंद को, मतलब मैं तुमसे ज्यादा कमाता हूं, ऊपर से कितना ऊपर से रखना है बताएं, ऐसे ही हां ये अच्छा ठीक है, लॉक करना है, लॉक पिक लगा दें, टूथपिक लगा दें, पिक लगा दें तो वो तो चुभ जाएगी, नहीं ताकि वो बिखरे ना, तो तुम्हें क्या लगा टूथपिक क्या किस लिए होती है गरीब जी, तुमने ये क्यों किया? आपने मेरे अंदर का शेफ जगा दिया ताकि वो उसमें सारी चीजें एक जगह पे रहें। जी हाँ बेड़े। उसका एक और आसान इलाज भी है, क्या? एक कमरे का फ्लैट ले लो, सब एक जगह पे रहेगा। सर मैं पास हो गई, मेरी रेसिपी ठीक नहीं, आपने आप फेल हो गई, पूछे क्यों? मैं बताऊं क्यों? आपने फ्राइज बनाए नहीं, फिर वो मैंने रेडीमेड मंगवाए थे, सच सच बताओ क्यों? मेहमान खड़े खड़े चलेगा, आपने दरवाजा ही नहीं खोला। किचन में बेल बज रही थी, आप चीज पे लगी हुई थी, नहीं वेल डन वर्दा, आपने बहुत अच्छा खेला, वेरी गुड वर्दा। अब जाने से पहले आपसे दो इम्पोर्टेंट सवाल आता हूं, आपसे पूछेंगे, एक आदि पे पूछेंगे, एक मैं पूछूंगा, आदि पे पूछिए।
अच्छा मैं जो आपके लिए आज सवाल है वो मुश्किल लेके आया। ये ऐसा वाला म्यूजिक क्यों शुरू हो गया? हाँ। क्योंकि क्योंकि दो सीरियस सवाल है ना वाकई। ये जो मैं सवाल आपसे करूंगा एज अ मॉर्निंग शो होस्ट नाउ, ये बहुत सेंसिटिव क्वेश्चन है। वाह। मेरे लिए पूछना, मुझे नहीं पता कि सही है कि नहीं, लेकिन मुझे लगा कि अब आप क्योंकि वो काम कर रही है तो आपसे ज्यादा सही उसका जवाब कोई नहीं देगा। आप मुझे बताएं कि एज वर्दा, एज अ शेफ, एज अ मॉर्निंग शो होस्ट, एज अ डॉटर, सिस्टर एंड एवरीथिंग, आपको क्या लगता है इन दोनों में से ज्यादा बेहतर तरीका कौन सा है? ये जो नई जनरेशन आ रही है इसको आप क्या बताना चाहेंगी कि ज्यादा बेहतर तरीका इन दोनों में से कौन सा है, आम चूस के खाना या काट के खाना? बताइए जी। अगर सिंदड़ी है तो काट के खाना, और अगर चौसा है तो सिंदड़ी। आम की एक होती है, सिंदड़ी है, आम सिंदड़ी है। सुनो आवाज आती आए आए आए, सिंदड़ी है ना। मैं माजरा चाहता हूँ। अच्छा जी, आप बताएं। अच्छा आप बताएं। अब आप शेफ हो ना। हाँ। ये बताएं काम यूं क्यों खड़ा वाला? एक साइड से पिलपिला हो गया था, गिर गया था। नहीं, वो लंगड़ा था। लंगड़ा था। अब आप बताएं, एक आम यूं क्यों खड़ा था? बताएं। बताएं ना। पूछ रहा हूँ आप क्यों खड़ा था? इतनी बड़ी आप शेफ हैं। अनवर एटॉल था? नहीं भाई, बताया तो लंगड़ा था। तो बता क्यों? अभी तो बताया आपको कि लंगड़ा था। अच्छा चले, दो आम थे। हाँ। दो आम थे, यूं क्यों खड़े थे? लंगड़े थे? नहीं। आम थे ना? आखिरी सवाल, आदि या फैजान? आदि या फैजान क्या? कोई जस्टिफिकेशन कुछ भी नहीं, बस आदि या फैजान। एक स्कोर कार्ड चलता है हमारे यहाँ, जो आप नाम लेंगे उसमें ऐड हो जाएगा। आदि फैजान अलग अलग कैसे हो सकते हैं? ये पीछे तस्वीरें लगी हुई है, सब ये कोशिश कर चुके हैं लेकिन वो उनसे हो नहीं पाएगा, तो आपसे भी नहीं हो पाएगा, इसलिए जल्दी बता दें आदि या फैजान। टाइम हो गया। नहीं नहीं, सेगमेंट खत्म ही नहीं होता हमारा। सवाल हमने 28 मिनट चलाया है, खत्म ही नहीं होता ये सवाल। आदि फैजान क्या कॉमेडी में? किसी में भी नहीं, किस चीज में? बस सिर्फ आदि या फैजान को एक ओवरऑल। ओवरऑल आप अपना इंजन ओवरऑल करा लो कहते हैं। बताइए जी। एक मोबलेल। अच्छा बस गाड़ी में क्या डालते हैं? मोबलेल। आदि फैजान क्या? आदि फैजान एक ही लग रहा है ना? एक ही बताना है। एक साथ मुंह से आदि फैजान क्या करें? ये नहीं, एक ही बताना है जल्दी से, क्योंकि काशी भाई तड़प रहे गाना गाने के लिए। आप जवाब देंगे और गाना शुरू हो जाएगा। मैं सोच लूंगी ना जब तक। पहले जवाब फिर गाना। You gotta say what you gotta say. जल्दी से। मेरे शो पे मैं इसका जवाब दूंगी। नहीं। हाँ, ये आपने अच्छा कवर किया है। मॉर्निंग शो पे जवाब दूंगी मैं इसका। अभी जवाब दे, अभी हमारा शो चल रहा है, अभी हमारा शो चल रहा है, हमें जवाब दें आदि या फैजान। मैं चाहती हूँ मैं आपको मॉर्निंग शो पे भी याद रखूं। एक जवाब, एक जवाब जल्दी से, जल्दी करें, सेगमेंट खत्म कर रहा है। ये मैं नहीं कह सकती। एक ही जवाब देना है, देना तो पड़ेगा। ये वो वाली बात है, राइट हैंड के लेफ्ट हैंड। हाँ, हाँ, ये भी प्रेफरेंस होती लोगों की कि नहीं होती, कैसे हो सकती है? एक मिनट आसान कर लेते हैं। फैजान तुम बताओ, आदि या फैजान? आदि। आप बोलोगे फैजान? आदि या फैजान? फैजान। फैजान। अब आप बताएं। इतना सिंपल है। अच्छा मुझसे आप पूछो। आदि या फैजान? नहीं, एक एक करके पूछो। नहीं नहीं, एक एक करके नहीं ना, मैं तो पूछ चुका हूँ आपसे, जल्दी बताएं। आदि। आदि। आदि बताइए। और अब हमें काशी भाई क्या सुनाएंगे, आप जल्दी से बताइए। काशी भाई आपके लिए एक रिक्वेस्ट है। जी जी, आराम से बैठिए। क्या सुना रहे काशी भाई? सज्जाद भाई का एक गाना है। ओके क्या? I'm
नाजुक नाजुक सी प्यारी प्यारी सी मेरे जीने की आस हो तुम नाराज हो समझो क्या कहती है हवा ओ छोड़ो भी गिला हुआ जो हुआ लहरों की जुबा को जरा समझो समझो क्या कहती है हवा तुम नाराज हो नाजुक नाजुक सी प्यारी प्यारी सी मेरे जीने की आस हो वेलकम बैक आप देख रहे हैं मजेदार शो मेरे साथ मौजूद है आज ये दिलमजद उनके साथ मौजूद है वरदा शोएब अब हम खेलने लगे हैं कंप्लीट द सॉन्ग मजेदार 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 ठीक है ना क्या होगा ये कि काशी भाई आपको कहीं से भी गाना सुना देंगे आधा कहीं से भी नहीं मुंह से ही सुनाएंगे लेकिन इट विल बी फ्रॉम डिफरेंट मतलब गाना कहीं से भी हो सकता है कि बीच से भी हो सकता है शुरू से भी हो सकता है आपने बस गाना गेस करना है कि ये गाना कौन सा एक बार इन्होंने कहीं से भी सुना दिया था गाना पीछे बैंड उठ के चला गया मोबाइल पे सुना दिया था मोबाइल पे सुनाया तो ऊंचा था तो चले गए वो लोग हाँ भाई काशी भाई कैसे आप सोच रहे थे काशी भाई गौर से देख रहे बेटा भी बताता हूँ अच्छा इसमें होगा कि हम आपके साथ खेलेंगे तो पॉइंट्स भी होंगे जी हाँ ठीक है जीतने पे आपको मिलेगा कुछ भी नहीं चले नहीं जीतने पे आपको मिलेगा मॉर्निंग शो की होस्टिंग चले वो तो ऑलरेडी मिल चुकी है चले जी आइए काशी भाई शुरू बताइए अगर गलत गाया ना आपने इसी के आगे कंटिन्यू करना नहीं नहीं शुरू से गाना है ये तो मैं अंतरा गाया आपने अस्थाई गाना मुझे स्टार्ट से गाना है जैसे कि हंसती है तो आंखों से मस्ती है छलकती रुत है बहार की जी या बेकरार जी आगे रंगी है तू रंगों से भी ज्यादा शोक लगती हो रे के भी ज्यादा ले जाएंगे तुझको उठा के तेरे बिना चले जी अगला काशी भाई गलियां खिला देती है एक मुस्कुराहट तेरी आगे नहीं आगे नहीं बाबा बस बस शान गए फाइव आप भी तो खेल रहे थे क्या हुआ आप लोग भी तो खेल रहे हैं मुझे तो आ गया हमें भी आ गया आ गया बता दे मुझे नहीं आया मुझे याद नहीं देखा जो चेहरा तेरा मौसम भी प्यारा लगा आदि ने गाया तो आप गाते हैं तो लगता है मौसम भी प्यारा लगा आदि गाता है मौसम भी प्यारा लगा मौसम भी प्यारा लगा नहीं मेरा मौसम भी प्यारा देखा जो चेहरा तेरा मौसम भी प्यारा लगा हाँ क्योंकि इतना अजीब सा चेहरा था काशी भाई कैसे आप काशी भाई अच्छा जी हो गया 1-1 काशी भाई ऐसी नाम दे रहा चले अच्छा नहीं लगता कोई नाम दे आपका वो भी सोच रहे कह रहे नहीं जी सुने तू है जिंदगी मेरी मैं हूँ बंदगी तेरी कर सकेगी ना जुदा दुनिया कभी जिंदगी यही जिंदगी मेरी जिंदगी मेरी आँख का सितारा जन्मन जन्मन तारा प्यारा मेरे बाहों
पानी दिल में तुम हो टॉप पे तुम आंखों में जाने जा कलियों में तुम फूलों में तुम सपनों में जाने जा दिल में तुम हो टॉप पे तुम आंखों में जाने जा कलियों में तुम फूलों में तुम सपनों में जाने जा खत्म हो गया सही म्यूजिक 2-1 और 1 0-0 असल में मुकाबला आप दोनों के दरमियान तुमने हमारा मुकाबला करा दिया हाँ चले जी ये बनी सर का गाना था काशी भाई थोड़ा पीछे वो कह रही है तुझी पे आगे भी तो गाने याद आ गए ना आगे याद आ गए थोड़ा सा एक लाइन और दिल मेरा चाहे तुझी पे आना देखा मैंने तुझको तो है जाना शहजाद रॉय साहब का गाना हाँ मुझे बस शहजाद रॉय का गाना है कौन नहीं मान रही मुंह पे नहीं आ रहा अरे ये सुना हुआ है बहुत सुना है मुझे आता है अब 5-4-3-2-1 करो 5-4-3-2-1 आदि भाई साली तुम्हारे नहीं कभी तो मरेंगे साली पहचानी नहीं कभी तो जानेगी बन के अनजानी कर मनमानी और मनमानी है तेरी नादानी कभी जुम्मत कभी जलवा है ये चाहत का इशारा हाँ भाई स्कोर बता दो दुनिया को 3-1 किसका 3 है पहला तो आपने ऐसे गेस किया था कि आप सारी गाने गेस कर 3 किसके और दुनिया को बता दो थैंक्स चल जी दुनिया हमें जो कहे दुनिया की रस्मों को तोड़ तोड़ चले यादें हमें अब जो कहे यादों की बातों को छोड़ छोड़ चले देखा न था कभी हमें ये समा ऐसा नशा तेरे प्यार ने दिया सोचा न था हो गए सपनों में हम देखा न था कभी हमें ये समा ऐसा नशा ये पता क्या हो रहा था हाँ वो अपने चौकीदार को आवाज दे रही थी टू एंड थ्री वर्धा ने कमबैक किया जी 2-3 यार मैंने भी गेस किया नहीं इन्होंने गेस कर लिया था चलें खुद बता रही है ये गेस कराओ हाँ ऐसे ही कह रही हूँ ऐसे ऐसे वाले थोड़े से आगे चलें 2-3 आगे चलें सोने सी नजर अरे वाह चांदी सी कमर हो जाए जिधर दुनिया हो दर हो लिपट के धूप चले जब देखा था एक ही थी वो अब तो है आप गाए ना साथ अब तो है वो हर की है या जादू ये ऋतिक रोशन की फिल्म का गाना है जी नहीं ये ममराना की फिल्म का गाना है कैसे आपको कैसे गेस किया आपने कहते हैं ना लड़की है जादू जादू वैसे वाला जादू था लाइक अ मैजिक अच्छा 3-3 जिसने पहले 5 गेस कर लिए वो विनर हो गया अच्छा हां जी किसी की दुकान और गा दे कितना इसी की दुकान और गा दे देखो तुम्हें अपनी आंखों से सपनों में नींद ख्यालों में दिल का करार तुमसे ये कहने था दिल का करार तुम कहना था दिल का करार तुम
कहता था आदि के हो गए हैं फोर, आपके हैं थ्री। अगर आदि ने एक और गेस कर लिया तो आदि भाई गेम जीत जाएंगे। जी आदि भाई जल्दी से, ओ काशी भाई जल्दी से। हो हंस के बोल जरा, खिड़की खोल जरा, नजरें तो मिला मुझसे बढ़ के दुनिया में कोई तेरा आशिक है बना, है कोई तो बना। धीरे 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 आ बादल, धीरे धीरे स्टार्ट होने का है। धीरे धीरे आ बादल, धीरे 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 आ बादल, धीरे 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 आ मेरा बुलबुल सो रहा है शोर का मजा, मेरा बुलबुल सो रहा है शोर का मजा, मेरा बुलबुल सो रहा है शोर का मजा, मेरा बुलबुल सो रहा है शोर का मजा। और खवातीन आज चार चार हो गए हैं। पहली बात ये है टाई ब्रेकर, ये गाना ही गलत था फैजान। क्यों? ये गाना है मेरा बुलबुल सो रहा है शोर ना मचा। हाँ। और खुद इतना शोर मचा रहा है म्यूजिक म्यूजिक लेके लगा हुआ है बुलबुल सो रहा है जा लावा जा भाई तू खुद चुप हो जा, ये गाना ही गलत है। नहीं नहीं बिल्कुल सही गाना है। 4-4 टाई ब्रेकर जी, देखते हैं कौन गेस करता है। टाई तो बहनी नहीं है आपके लिए, क्या मतलब वो चाची है तुम्हारी। जब बहती नदियाँ करे ओ मेरा दिल मिलने को, हाय मौसम, हाय मौसम, हाय मौसम, हाय मौसम, रंगीले सुहागे तू चिट्ठी लेके आजा, तू चिट्ठी मेरी गाड़ी जब छोटी छोटी ट्यूबलाइटों के नीचे बैठ के गाने याद क्या करता था इस दिन की दादाई। बहुत बुरा किया आपने, चीटिंग थी ये, चीटिंग थी, बिल्कुल चीटिंग नहीं थी, चीटिंग थी। नहीं, नहीं, मैंने भी साथ गैस किया था। नहीं, नहीं, आपने मैंने तो गैस, देखिए मैं बिल्कुल न्यूट्रल खेलता हूँ। आदि भाई बहुत जगह हारे, मैं वहाँ तक पहुँची थी। नहीं नहीं इन्होंने आए मौसम पहले ही कर दिया था। हर कदम ध्यान से लो क्योंकि तुम्हारे हर कदम के पीछे दो कदम और आ रहे हैं। ओ गहरी बात, वेरी गुड यार आती यार, थैंक यू सो मच आप लोगों ने। अच्छा बस ठीक है, आदि भाई जीत गए हैं, लेकिन वर्दा थैंक यू सो मच कि आपने टाइम निकाला। थैंक यू सो मच, आपने मुझे शो पे इनवाइट किया, रियली थैंक्स अ लॉट, थैंक यू सो मच। और बहुत सारी बेस्ट विशेस आपके साथ आपके नए शो के लिए। बिल्कुल, और उम्मीद करते हैं कि जिस तरह आपको हमेशा से प्यार मिलता रहा आपके इस शो को भी बहुत सारा प्यार मिलेगा और आप इवन का नाम बहुत सारा रोशन करेंगे इंशाल्लाह, आमीन। जाने से पहले अगर आप कोई मैसेज देना चाहती हैं तो इस कैमरे पे आप दे सकती हैं। थैंक यू जी। बिल्कुल, मैं मैसेज देना चाहूंगी कि हम बहुत ही जबरदस्त एक मुस्कुराती मॉर्निंग शो लेके आ रहे हैं हर सुबह आपके लिए 9 बजे पीर से जुम्मा, तो प्लीज देखना मत भूलिएगा, जरूर ट्यून इन कीजिएगा सुबह 9 बजे। और जैसा कि अभी हम सब ने कहा कि आपने मुझे अब तक इतना प्यार दिया है, इतना सपोर्ट किया है, इतना मुझे अप्रिशिएट किया है मेरे काम में, तो प्लीज इस शो को भी देखिएगा और आई एम श्योर आप लोग इसमें भी मुझे बहुत ज्यादा सपोर्ट करेंगे और इतना ही प्यार देंगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू वर्दा। आदि भाई आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं मैसेज ये देना चाहूंगा कि अगर इंसान, मर्द औरत, लड़का लड़की, बच्चा बच्ची, अगर आपकी जिंदगी में चीजें कुछ रुक गई हैं या कुछ चीज़ें ख़राब हो रही हैं और आपके हाथ से निकलते जा रही हैं, तो बजाय उस पर फ्रस्ट्रेट होने के आप अपने आप से पूछें कि ऐसा क्यों हो रहा है। आपने कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ किसी के साथ किसी मामले में गलत किया होगा जिसकी वजह से आपके अपने मामलात ख़राब हो रहे हैं। तो कभी ज़िंदगी में फंसे तो उस चीज़ पर रोने गाने से अच्छा है कि अपने आप से पूछें, अपने आप को सुधारें। कहीं ना कहीं आपकी कोई गलती होगी, अगर आप उसको सीधा कर लेंगे तो ज़िंदगी सीधी हो जाएगी। वेरी गुड। और उम्मीद करते हैं जी आपको हमारा शो पसंद आया, और अगर पसंद आया तो आप लोग अगले वीक भी ट्यून इन कीजिएगा और वर्दा का शो देखना मत भूलिएगा मंडे टू फ्राइडे, फ्राइडे 9 बजे से 11:30 बजे तक। काशी भाई जाने से पहले मैं क्या सुनाने वाले हैं आप? जी शहजाद भाई का गाना है, उनको पता है कोशिश करते हैं।
तेरी सूरत निगाहों में फिरती रहे, तेरी सूरत निगाहों में फिरती रहे, तेरी सूरत निगाहों में फिरती रहे। इश्क तेरा सताए तो मैं क्या करूं, अगर खुदा रूठ जाए तो सजदे करूं, अगर खुदा रूठ जाए तो सजदे करूं, अगर खुदा रूठ जाए तो सजदे करूं, और सनम रूठ जाए तो मैं क्या करूं। तेरी सूरत निगाहों में फिरती रहे, तेरी सूरत निगाहों में फिरती रहे, इश्क तेरा सताए तो मैं क्या करूं। हुस्न और इश्क दोनों में तफरीक है, हुस्न और इश्क दोनों में तफरीक है, क्या करूं मेरा दोनों पे ईमान है। जब से देखा है तुमको मेरे हम नशी, जब से देखा है तुमको मेरे हम नशी, जब से देखा है तुमको मेरे हम नशी, कोई दूजा ना भाए तो मैं क्या करूं। तेरी सूरत निगाहों में फिरती रहे, तेरी सूरत निगाहों में फिरती रहे, इश्क तेरा सताए तो मैं क्या करूं। तेरी सूरत, तेरी सूरत, तेरी सूरत निगाहों में फिरती रहे, तेरी सूरत निगाहों में फिरती रहे। मेरा नाम है वजात रऊफ और आप मुझे देख सकते हैं तो मजेदार शो पे विद फैजान एंड आदि, ओनली ऑन टीवी वन। मजेदार मजेदार मजे मजे मजेदार 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 द मजेदार शो।